अपने वर से पहला वचन मांगिए। हाँ तो मांगे पहला वचन, स्वीकार कीजिएगा। हाँ हाँ मांगिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तीर्थ आता हरा पे जब भी पूजा करने जाएगा, तीर्थ आता हरा पे जब भी पूजा करने जाएगा, साथ लेके चलिएगा, दिल मत दुखाइएगा, साथ लेके चलिएगा, दिल मत दुखाइएगा, साथ लेके चलिएगा। स्वीकार है? हाँ स्वीकार है। दूसरा वचन मांगे, सोच के बताइएगा और निभाना भी पड़ेगा, समझे? हाँ हाँ निभाएंगे ना, इसमें क्या रखा है। जैसे अपने मम्मी पापा का करते हैं सम्मान जी, जैसे अपने मम्मी पापा का करते हैं सम्मान जी, वैसे मेरे मम्मी पापा का रखना हो ध्यान जी, वैसे मेरे मम्मी पापा का रखना होगा ध्यान जी, वैसे मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखिएगा, आप भेदभाव मत कीजिएगा। अरे पूरा ध्यान रहेगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए ये तीसरा वचन है और सातों जन्म साथ निभाना होगा, नहीं तो अभी भी बोल सकते हैं। अरे सात जन्म क्या, लाखों जन्म तक साथ निभाएंगे, आप मांगिए तो सही। वादा कीजिए प्यार कभी होगा नहीं कम जी, वादा कीजिए प्यार कभी होगा नहीं कम जी, छोड़िएगा ना साथ मेरा जनम ओ जनम जी, छोड़िएगा ना साथ मेरा जनम ओ जनम जी, छोड़िएगा ना साथ मेरा। देखिए ये चौथा वचन है और इसमें सारा जिम्मेदारी आपको निभाना होगा। अरे जिम्मेदार तुम बचपने से हैं, आपको कुछ कमी होने देंगे तब ना। आप थे आजाद जब तक मैं थी कुंवारी जी, आप थे आजाद जब तक मैं थी कुंवारी जी, अब से निभाना पांचवा वचन है और इसमें जो भी कमाइएगा जो भी खर्चा कीजिएगा सब सही सही बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा।